क्या लगता है शिमला में? शिमला में तो कांग्रेस आएगी इस बार। इस बार बीजेपी। एक बार जयराम, बार बार जयराम। कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प होना चाहिए लोगों के पास। करो शुरू। भाई साहब उठ गए, तुमने कैमरा ऐसा साफ किया, भाई साहब उठ गए। पॉलिटिक्स भी छड्डो, असी नहीं करांगे कल पॉलिटिक्स थी, आ जाओ तुसी। अच्छा चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। असी लाइव इसीलिए नहीं करते कि यार कोई बेइज्जती कर दे तो काट तो ले। ओके। हिंदुस्तान का समय तो ठीक ही है मोदी जी के राज में। विकास तो महंगाई का हुआ ही है। जो राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के लिए किया है वो बीजेपी आने वाले 70 साल में नहीं कर सकती। प्लीज 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 मैम बताना तो पड़ेगा, अदरक का क्या रेट है मैम? मुझे नहीं पता, मैं तो पूछा ही नहीं। मिर्चे पहले फ्री में मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। धनिया मिर्च अब कोई नहीं पूछता है। भैया हरी मिर्च और धनिया जिस दिन फ्री मिलना बंद हो जाए ना, समझ लो महंगाई है। हो सकता है रिपीट हो जाए। हो जाएंगे रिपीट इस बार। हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर पहला मुख्यमंत्री है जो हमसे यहाँ हाथ मिलाने यहाँ पहुँचते। हिमाचल में चुनाव हो और आप शिमला में हो तो माल रोड पे लोगों से पूछना तो बनता है कि भैया इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, भाजपा की या कांग्रेस की। तो चलिए आइए जानते हैं लोगों से और पूछते हैं कि लोग इस बार किसके बारे में सोच रहे हैं। क्या लगता है इस बार हिमाचल में? हिमाचल में सर इस बार कांग्रेस आएगी लग रहा है। यार ये सबको कांग्रेस क्यों चाहिए हिमाचल में? क्योंकि सिर्फ थोड़े पार्टी बदलनी चाहिए, मतलब ये रिवाज जो है वो बना रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। क्या चक्कर क्या? ये बस चेंज होता रहना चाहिए, रोटेट होनी चाहिए सरकार। क्या लगता है हिमाचल में? हिमाचल में अभी लग तो देगी कांग्रेस आ जाए। क्या लगता है अभी यहाँ पे कुछ विकास विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो बहुत सारे हुए जी, हमारे क्षेत्र में तो बहुत सारे विकास हुए जी। अच्छा। जो किए जी, हमारा जो हड्डी का काम था वो सबसे 70 साल से पेंडिंग था। अच्छा। वो काम हुआ जी हमारे। हमने तो हम तो तभी वोट देंगे जब विकास होगा। विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नौकरी नहीं, युवा को नौकरी नहीं मिली। ठीक है, बेरोजगारी इतनी है जो हद से ज्यादा। ठीक है, कुछ भी काम नहीं हुआ सर। तो ये तो कह रहे हैं जयराम ठाकुर आए हाथ मिलाया, मैं तो वो हाथ मिलाने से सर वोट नहीं मिलते। ठीक, काम करना पड़ता, लोगों के बीच जाना पड़ता, काम दिखाना पड़ता है। स्वच्छ बनाना पड़ता अपने को, स्वच्छ। बिल्कुल कुछ नहीं आएगा सर। ट्रेवल हुआ कि नहीं हुआ इनसे पूछो जरा। क्या 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 जनजाति का एरिया घोषित हुआ सिरमौर में? नहीं पूछो इनसे। हाँ जी भाई बताओ। जनजाति घोषित हो गया पर नोटिफिकेशन कहाँ है? ये तो एक नोटिफिकेशन नहीं है। अरे सर नोटिफिकेशन तो इन जो 1500 दे रहे महिला के लिए, ओबीसी के लिए, इसका है नोटिफिकेशन? सैकड़े है, ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में भी नहीं होना सर। इधर 5 साल थी, 5 साल में कर सकते थे। अच्छा, ये तो एक चुनाव के लिए आए हुए। अच्छा, चुनाव वोट तो मांगने के लिए कि हमने कर दिया। नोटिफिकेशन कहाँ है? अच्छा। कहाँ हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर। तो ऐसा है शिमला में, ऐसा जो लोग यहाँ पर काम करते हैं माल पर, वो कोई अपर शिमला के हैं, कोई लोअर शिमला के भी यहाँ पर लोग हैं, ज़्यादातर अपर शिमला के मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बढ़िया यहाँ नोटिस करने वाली है, लोगों का जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। शिमला की बात करें तो कांग्रेस के लिए है, अपर हिमाचल में जाएं तो लोग ज़्यादातर बीजेपी को वाउच कर रहे हैं। तो आगे भी देखते हैं क्या हो रहा है। आओ आओ जी ठाकुर, आपको कैसा नेता लगा? बहुत अच्छा लीडर सर। जयराम जी, एक बार जयराम, बार बार जयराम। पहला मुख्यमंत्री है जो हमसे यहाँ हाथ मिलाने यहाँ पहुँचते। अच्छा, हिमाचल का पहला मुख्यमंत्री होगा वो? अच्छा, जो हाथ मिलाने हमारे पास खड़े हो यहाँ। अच्छा, जैसे बात हो रही है सेब की, जीएसटी की, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा लोग निराश तो हैं। बाकी अब ये आ गया, अपन लोअर बाजार की तरफ जा रहे हैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता, ऊपर का एरिया अगर आप देखेंगे तो ये माल रोड है। माल रोड से ऊपर निकल जाओगे तो रिज मैदान आ जाएगा, शिमला का रिज। तो ये एरिया लोगों ने सुना होता है, लेकिन ये है लोअर बाजार। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको लोकल मिलेंगे, यहाँ पे आपको छोटी दुकानें मिलेंगी और यहाँ पर आपको खाटी देसी लोग मिलेंगे हिमाचल के, जो यहीं के रहने वाले हैं और जिनके कुछ मुद्दे होंगे, आइए जानते हैं। बट भाई साहब झंडे भाजपा के दिख रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन है जी। पवन जी, आपका जी? प्रवीण है। प्रवीण जी, क्या लगता है इस बार शिमला में कांग्रेस? कांग्रेस और हिमाचल में कांग्रेस। कारण क्या है यार? झंडे बीजेपी के लगे हैं, बात कांग्रेस की हो रही है। भैया झंडों से इलेक्शन थोड़ा जीते जाता है। वोटों से जीते जाते। अच्छा अच्छा, मुद्दों मुद्दा से क्या है? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, और आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टैकल करने में फेल रही?
सर मेरे को तो लगता है, अच्छा अब सिलेंडर देखो आप, आप बेरोजगारी देखो, किसी भी मुद्दे पे बहस कर लो आप, आप सेंटर से लेके हिमाचल की गवर्नमेंट तक किसी भी मुद्दे पे आ जाओ। सरकार महंगाई हमने बहुत विकास किया शिमला में, विकास तो महंगाई का हुआ ही है। अच्छा महंगाई का बहुत विकास हुआ है उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा महंगाई का विकास हुआ है, सरकार सच बोल रही है। अच्छा उसके अलावा कोई और विकास गिना दो, दो चार? नहीं, दो चार बेरोजगारी में बहुत विकास है। 2 करोड़ लोग दिया जो दे रहे थे वो गायब होगी। अच्छा 4 करोड़ गायब होगी ना 2 करोड़ की जगह। जी जी जी, हाँ तो ये विकास ही है। अच्छा विकास है, हाँ। और इस विकास पे वोट पड़ेगी इस बार की नहीं पड़ेगी? तो इस विकास पे देखो अब जनता क्या मूड देती है अपना। अच्छा अभी लेकिन मामला टफ है, मामला तो टफ है, फंसा हुआ है, मगर अपर हैंड कांग्रेस का रहेगा। अच्छा अपर हैंड कांग्रेस का रहेगा। शिमला में क्या जो राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के लिए किया है वो बीजेपी आने वाले 70 साल में नहीं कर सकती। बीजेपी तो कह रही है कि हमने 2400 घंटों पानी दे दिया शिमला में, हमने यहाँ पे अस्पताल बनवा दिए, हमने स्मार्ट सिटी बनवा, तभी 7-7 दिन के कट लगते हैं। 7-7 दिन के कट पानी के? हाँ जी। तो यार अमित शाह जी तो अभी क्या कह गए हैं कि हमने 2400 घंटे पानी कर दिया। वो सेंटर में पानी पी रहे हैं ना, हिमाचल में नहीं पी रहे। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया सर, मिलके अच्छा लगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं बाकी लोगों से भी यहाँ क्या चल रहा है। देख लीजिए ये शिमला का मेन बाजार है जो आपने बहुत कम देखा होगा क्योंकि लोग इधर कम आते हैं यार, बट ये बहुत शानदार जगह है। अगर कुछ सस्ता चाहिए बढ़िया चाहिए तो आपको इस बाजार में मिलेगा। माल रोड पे सब कुछ महंगा। पाजी सत श्री अकाल, क्या नाम है आपका? साहिब सिंह। साहिब सिंह यहीं के रहने वाले हो आप? साहिब जी क्या लगता है इस बार शिमला में हिमाचल में बीजेपी रिपीट हो सकती है? हो सकती है रिपीट, लेकिन शिमला में? शिमला में टफ है। शिमला में टफ है, हाँ। कारण क्या है इसके पीछे? ये तो राजधानी है यार, कह रहे इतना विकास करा दिया। हाँ बहुत विकास कराया है, सब कराया है, बट जो दूसरे थे ही इज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स ऑन ग्राउंड लेवल। जी जी जी। जो जनार्था जी थे, हाँ। बाकी सूजी ही इज आवर बिजनेस पर्सन, तो भी मतलब दैट्स व्हाई आई सेइंग इट्स वेरी टफ। जी जी, जो जनार्था जी की जिनकी बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट है इस बार के, और सूद साहब बीजेपी के कैंडिडेट है शिमला अर्बन से, है ना? तो ये जो सीट है वो शिमला अर्बन में आती है। भाई क्या नाम है? अरे नाम क्या है नहीं। बता दो यार, बाहर के हो आप कि अंदर के ही हो? हम बाहर के, हमारा नहीं है। कहाँ के हो? बाहर के हो तो हिमाचल के। लेकिन लगता क्या है इस बार हिमाचल में कौन आने वाला है? देखो वो काम पर डिपेंड है, जिसने अच्छा काम हो किया। अच्छा वैसे में काम किया इस गवर्नमेंट ने की नहीं किया? जयराम ठाकुर ने काम किया 50-50, ज्यादा भी नहीं लग रहा। अच्छा ज्यादा नहीं लग रहा जी, कि एक हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा तो कर रहा है? कैसे करेगा सर जी आप बताओ ना, इतनी महंगाई हो रही है, इतना बुरा हाल है। आज सर जी कस्टमर 100 रुपए खर्चते हुए भी 10 बार सोचता है। भाई साहब कितने की है टोपी? 100 रुपए की। हिमाचल में सब लोग टोपी क्यों पहनते हैं? ये हिमाचल स्थान है जी। है जी, पहचान है, पहचान है हिमाचल की। मैं भी लगा के देखूं एक बार। लगा लो, ये सही है। अच्छा इस बार टोपी कौन पहनेगा हिमाचल में? इस बार टोपी सर हम तो यही चाहते हैं जी कि भाजपा की सरकार आए। अच्छा, और इन्हीं की सरकार से मतलब पूरे देश का कल्याण है, चाहे लोकसभा वहाँ का हो, केंद्र का चाहे प्रदेश का हो। अच्छा हाँ जी, हमारी हमारे हार्दिक इच्छा यही है और आगे प्रभु जाने भाग जाने की। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया हैं? हाँ जी, मोदी जी बढ़िया, पूरे विश्व में नंबर एक। काम बढ़िया लगता है मोदी जी का? मोदी जी जब से भ्रष्टाचार में कमी आई, कश्मीर में 370-375 दिए खत्म हो, जगह जगह तमाम उग्रवादी मारे जा रहे हैं, उग्रवादियों का सफाया हो रहा है। हिमाचल का कांग्रेस ही आनी और क्यों ना, कांग्रेस आ जाएगी। ओ बाजी वाह बाजी, क्या कारण क्या है? लोग कह रहे हैं इतनी सड़कें बन गई, सुनो कुछ नहीं, सड़कें बाहर जाके झंडे देख, तेन फोटो कितनी दिखती पी वही हैगी बस। अच्छा मैं जे तेन झंडे कोई होर दे दिखेंगे तो वो आऊगा, नहीं तो झंडे देख ते कानी डन की। जनार्था जी का झंडा लगा रखा है हुन की करे, उन्होंने झंडे कट लाए, ज्यादा लाएंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा मतलब जनार्था जी को बोल देगी झंडे ज्यादा लगवा दो? वो लगे ने, लोग तो कह रहे हैं झंडा लगवा लेते हैं लोग, अंदर से वोट किसी और को देते हैं, ऐसा भी होता है? कोई बात नहीं, सीधा रिजल्ट। भैया यार आ जाओ आप लोग भी, बात कर लो थोड़ा। अच्छा नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा मैं अभी, ना 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 ना, आप जब तक बेइज्जती नहीं करते तब तक थोड़ी छोड़ेंगे आपको यार। अच्छा ये बताओ यार ये फोन अंग्रेजों के जमाने के पड़े हुए हैं? हाँ, सब एंटीक है। सब एंटीक है, मतलब ये क्या गुरे गुरे जो चले गए 47 के बाद उनके बस फोन? उनके बूढ़े जो मर गए उनका सौदा है। अच्छा उनका सौदा है। हाँ। और लोग खरीदते भी हैं कि ऐसी आते आते हैं, जवान खरीदते हैं बूढ़े छोड़ गए। अच्छा ये पुराने सिक्के जो पड़े हुए हैं? हाँ, वो भी
भी। अच्छा मतलब लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं सिक्के विक्के। महंगा सौदा होगा फिर तो? महंगा ही होते हैं, सस्ता तो कुछ नहीं होता है। मतलब आप ये देख लो कि शिमले का सबसे महंगा सौदा सीढ़ियों में बिक रहा है, है? और सस्ता सौदा दुकानों में, क्या चक्कर है? बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजों का है ना ये। अच्छा अंग्रेजों को ज्यादा इज्जत नहीं देनी है, उनको जमीन में रोल दिया हमने। अच्छा बहुत ही बढ़िया। भाई साहब उठ गए, तुमने कैमरा ऐसा साफ किया, भाई साहब उठ गए। भाई साहब क्या नाम है? सनी। अरे छोड़ो सनी, यार, सनी, हम सनी। चल के नोएडा से आपके पास आया, फोन लेके बैठे हो, बताओ। सनी 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 यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है, यार इधर आ जाओ सनी साहब, जहाँ बैठे थे वहीं बैठ के बात करेंगे, आओ यार। क्या लगता है इस बार सनी साहब? जी जी। किस चीज के लिए हम क्यों घूम रही है दुनिया यहाँ? क्या बताओ यार, इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन की बात करने के लिए आए हम तो। जनार्था जी जीतेंगे कांग्रेस से। अच्छा, और हिमाचल का क्या सीन है? तो हिमाचल में कांग्रेस ही आएगी, एक्चुअली महंगाई बहुत हो चुकी है, दो कारण है और बेरोजगारी। बेरोजगारी कोई यार खप्पी कारण भी है कि नहीं है? नहीं, उसके बारे अच्छा, में ऐसे होता है ना, देखो यार, पंजाब हो, शिमला हो, कोई भी जगह हो, है तो हम हिंदुस्तानी। जी जी। जो नेता झुक के बुला ले उसको वोट दे देते हैं। जी। तो यहाँ जनार्दा जी और सूद साहब में क्या फर्क है? नहीं, जनार्दा जी और सूद साहब की बात नहीं हो रही ना, बात हो रही है बेरोजगारी और उसमें। अच्छा, तो बंदा तो चाहता है कि चेंज होए। अच्छा, क्या पता नई सरकार आए तो कुछ चेंजेज होए, अपनी जो महंगाई है थोड़ी कम होए। अच्छा, उस कारण जनता चेंज, इसलिए चेंज चाहते हो आप? चेंज। और आपको लगता है कि इस बार चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और बाकी दुनिया क्या सोच रही है? आओ भाई साहब, क्या नाम है आपका यार? अरे आ जाओ यार, इधर आओ, छोड़ो आप, क्या नाम है आपका? सर राजेश शर्मा। राजू शर्मा? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा, यहीं के रहने वाले शर्मा जी? सर बिल्कुल शिमला के। क्या करते हो? सर मैं फार्मर हूँ। मतलब क्या महंगाई कहाँ है, फार्मर कहाँ दुखी है? सर एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमारी सब्जी, पहाड़ की सब्जियाँ है ना, सीजनली होती है। जैसे अभी जुलाई के बाद हमारी कुछ सब्जियाँ नीचे प्लेन में चल पड़ती है, इसलिए हमें रेट नहीं मिल पाते फिर। अच्छा, ये दिक्कत भी रहती है। अच्छा बिल्कुल सर। तो फिर सरकार इसमें कहाँ लैग कर जाती है? सर सरकार की कोई स्कीम है कुछ, सरकार कर रही है फार्मरों के लिए ऊपर? सर फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा। पर ये अभी जो हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है कांग्रेस की, ये जरूर करेगी। मतलब कांग्रेस बन जाएगी? बन जाएगी सर, 100% सीधा फंडा कह रहे, बनने जा रही है सर, नो डाउट, नो डाउट सर। अच्छा मतलब कोई फाइट नहीं है सर? एक नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं 50+ में जाएगी सर। कारण क्या है? कारण सर मेन तो इस बार ओपीएस है। अच्छा, ओपीएस बड़ा मुद्दा? ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है सर। अच्छा सर, और जो बीजेपी की सरकार देखो कितनी महंगाई, सिलेंडर देखो आप, जो कॉमनली नॉर्मली चीजें हैं जो एक आदमी यूज करता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव, हाथ से जोर से मतलब बाहर हो गई है। इसलिए भी लोग चाह रहे कि चेंज जरूरी है। अच्छा, चेंज होना चाहिए, होना चाहिए, होगा सर। ये सेब वालों का क्या मुद्दा चला हुआ है? सेब सर कार्टेज का चला था सर, उनकी जो पेटियां थी वो थोड़ी महंगी हुई थी। अच्छा, वो जो जीएसटी लगा दिया था? हां जीएसटी, वो भी कारण रहा है। अच्छा सर, गवर्नमेंट बनने जा रही है 50+ से, रिवाज जरूर बदलेगी। 50+ यार, 68 सीटों में तुम 50 सीटें कांग्रेस को दे रहे हो? 50 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आएगी, पक्की बात है, पक्की बात, 100% मतलब फुल श्योर हो? फुल श्योर, फुल श्योर, इनको नो डाउट। अच्छा, फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके? सर बहुत चेहरे हैं, कौन है एक दो, तो कोई कोई आपको जो लगता है कि होना चाहिए? सर देखो हमारे पास अभी प्रतिभा सिंह है। हैं जी, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री है, पत्नी, पत्नी मुकेश अग्निहोत्री है। अच्छा, अग्निहोत्री जी मैम, तो दो ही चेहरे हैं ये। सुखविंदर सुक्खू जी भी मैंने सुना की लाइन, बिल्कुल वो भी है लाइन में, तीन है इसे मैं सोचता हूँ। आपको ये नहीं लगता कि 50 सीटें आ गई कांग्रेस की, बाद में कहीं आपस में लड़ पड़ेगी कौन बनेगा? नहीं, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हर जगह तो लड़ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं, हिमाचल में नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, हिमाचल में ऐसा नहीं है, नेता मान जाते हैं, मनाने पर मान जाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार सही है। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। तो फार्मर्स के भी भैया अपने मुद्दे हैं, सेब की पेटियों पे जो जीएसटी लगा था उसके बाद थोड़ा कार्टेज महंगे हुए हैं, उन चीज़ों के भी मुद्दे हैं। तो लोग यहाँ पर एक तरफा तो दिख रहे हैं थोड़े थोड़े कि यार, मेरे हिसाब से भी जो लोगों का ये कहना है, जो उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि इस पर शायद रिवाज नहीं बदलेगा, सरकार ज़रूर बदल जाएगी। तो आओ अंदर चलते हैं और चलते हैं, क्या पूछते हैं लोगों से, क्या लग रहा है। मैम ने पर्ची भी जनार्था की बना रखी है, हरीश जनार्था जी की पर्चियाँ बना रखी हैं आपने। नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, पैम्फलेट काम आने चाहिए, रादर देन इधर उधर खराब जाए पेपर। बिल्कुल बिल्कुल। किसका समय खराब है और किसका सही? अभी हिंदुस्तान का समय तो ठीक ही है, मोदी जी के राज में पूरा सही है, बिल्कुल सही है। और शिमले का किसके राज में सही आएगा?
वो भी अगर कमल पे खिलेगा तो रात ठीक ही रहेगा। अच्छा, तो कमल पे तो खिला ही हुआ था, तो शिमला से हिमाचल में पहले से समय बढ़िया चल रहा है? अभी बढ़िया चल रहा है, सब चलेगा भी बढ़िया। अच्छा, चलेगा भी बढ़िया, सरकारें आती हैं जाती हैं, है ना। अच्छा, सही लोग वाजपेयी के फैन है आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान का फैन हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी अपना समय ठीक करवाने आऊंगा मैं आपके पास। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? ठीक है सर, बढ़िया सर। क्या नाम है अपना? दीपराम ठाकुर। हिमाचल से हैं आप? हाँ जी। क्या लगता है इस बार? इस बार जो है वही रहने वाले हैं? लोग तो फैन हैं वैसे, हैं ठाकुर साहब के? वही रहेंगे। ठाकुर साहब के फैन हैं लोग या मोदी जी के? देखो जी, सेंटर में मोदी जी है, बाकी यहाँ जैसे मर्जी हो रहा। अच्छा, मामला तो डिवाइडेड है भाई साहब, मोदी साहब के फैन हर जगह है हिंदुस्तान में, कहीं भी पूछ लो। स्टेट गवर्नमेंट से किसी की कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोदी साहब का हर कोई फैन है। तो चलिए आगे चलते हैं, अदरक भिंडी सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, पूछ लेते हैं थोड़ा। माता जी नमस्ते। नमस्ते। महंगा हुआ है सामान के? सस्ता? अच्छा, सस्ता है, सस्ता है अभी शिमला में। मैम नमस्ते, प्लीज 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 मैम बताना तो पड़ेगा, अदरक का क्या रेट है मैम? मुझे नहीं पता, मैं पूछा ही नहीं। अच्छा, महंगाई हुई है कि नहीं हुई है खाने पीने की चीजों में? है, महंगा है। महंगाई है? हाँ जी। पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि कितना बजट खराब हुआ है महंगाई से? इतना मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया है मुझे। नहीं, चलो फिर एक लगता तो है ना। हाँ, महंगाई तो है। अच्छा, महंगाई तो है। हाँ जी। मिर्चे पहले फ्री में मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। हाँ, धनिया मिर्ची अब कोई नहीं पूछता है। मतलब अब खरीदनी पड़ती है अलग से। हाँ जी, हाँ जी। इन्हीं से पता चलता है कि महंगाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हाल है भाई तुम्हारे? बस बढ़िया। अरे यार कर लो, तुम तो बात कर लो, वो तो चलो कोई बात नहीं, उनका अपनी जगह सही है। नहीं नहीं, मेरे पर। अदरक क्या रेट है? 80 रुपए के। 80 रुपए किलो। और नींबू? नींबू अभी 80 है यार। ये तो शिमला से नोएडा से सस्ता है। 100 रुपए किलो 80 नहीं है नींबू। अच्छा, ये हमें 100 दे रहे हैं या 80 बोल रही है? ये देख रहे हो जी, नींबू 100 तो अभी 80 बोल रहे हो। 100 रुपए है, 10 की मिर्ची डालो। अच्छा, ये महंगाई बताना नहीं चाह रहे की महंगाई? पता नहीं, बताना नहीं। हाँ, ये भी बात सही है। चलिए बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। भैया हरी मिर्च और धनिया जिस दिन फ्री मिलना बंद हो जाए ना, समझ लो महंगाई है। ये पढ़ लो भाई, पुरानी पेंशन लागू होगी सिर्फ 10 दिनों में। तो ये कांग्रेस सरकार का दावा है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम ले आएंगे। सर आ जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम? सर एक बात बता, सर बताइए। मुश्किल ही लग, मुश्किल लग रहा है ये सब जुमले हैं जो चल रहा है। ऐसा ही लग रहा है। तो ये कह रहे हैं हमने राजस्थान और उसमें तो कर दी ओल्ड पेंशन, यहाँ मुश्किल ही होगा? यहाँ मुश्किल होगा, कोई उम्मीद नहीं है लगती? कारण क्या है इसके पीछे? पैसा वैसा नहीं है या कोई मंशा नहीं है? कहाँ से आएगा पैसा, पहले ही सरकार डूबी हुई है। अच्छा, कर्जे में सरकार पूरी तरह से डूबी हुई है? डूबी है। कर्जे में हिमाचल की या सेंटर की? हिमाचल की। अच्छा अच्छा, हिमाचल की। हिमाचल। लेकिन जो अगर सेंटर से नहीं कोई सहायता मिलेगी तो कहाँ से देंगे? हाँ, लोगों का झुकाव तो है, बाकी अब देखते हैं 8 दिसंबर को क्या होता है, 12 नवंबर तक क्या क्या होता है यहाँ पे। एज अ गृहिणी, आपको क्या लगता है कि महंगाई से कितना बजट में फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो पहले चीज़ 50 रुपए की आ जाती थी, अब 150 रुपए की। आप ही आइए मैम, प्लीज। हाँ जी बताइए। वो अब 150 रुपए की आती है। अच्छा। जो 50 रुपए की आ जाती थी जी। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कहते तो हैं कि कोरोना की वजह से, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना भी मतलब नहीं मायने रखता इतना। अच्छा। लेकिन जो है गवर्नमेंट अपने ये पुलिंदे जो साध रही है ना, अपने अपने उल्लू सीधे कर रही है। 5 साल में आज अभी आएंगे, अभी वोट का टाइम है, अभी आ जाएंगे कि आप हमें वोट दीजिए, पर हम दें क्यों वोट जी, है ना। आज से 5 साल के बाद देखेंगे तो भी यही हाल होगा। तो आपको ये लगता है कि बदल जाएगा इस बार मामला? बिल्कुल। तो आएगा कौन? वो जो पहले आए थे आप कह रहे हैं उन्होंने भी काम नहीं किया तब बदले थे। देखिए गवर्नमेंट लोगों की जो मेंटेलिटी है वो है कि चेंज करना ही करना है ना। अच्छा। फिर काम हो या ना हो जी जी जी, ये 5 साल के बाद लोगों को पता लगता है कि काम नहीं। ठीक है, तो मतलब हमारा फर्ज है एक बार चेंज कर दें। हाँ, ठीक है ना, डर बना रहना चाहिए कि कुर्सी जा रही है, है ना। एक बार मतलब हमारा लोकतंत्र का अधिकार भी है ना। हाँ, हमारा जिसको दिल चाहेगा हम उसको लाएंगे, उसको देंगे, है ना। और 5 साल के बाद अगर ये फिर नहीं काम करेंगे तो फिर सरकार चेंज होगी। यही बात सही है कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प होना चाहिए लोगों के पास। तो लोगों से हमारी जो बात हो रही है उसमें जो पूरा डिवाइड है, लोग कहीं किधर को जाना है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, अब ये जो रास्ता है हम धीरे धीरे बाजार की ओर और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको झंडे दिखेंगे, कहीं भाजपा का और कहीं पे कांग्रेस का, एंड की तरफ देखें तो कांग्रेस के झंडे लगे। तो यहाँ भी लोग थोड़े भैया डिवाइडेड तो है, अब देखते हैं क्या बनता है, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या सोच रहे हैं।
भाई साहब आप हिमाचल आए तो सदरी नहीं पहनी तो क्या फायदा है ना, नेहरू जैकेट अगर आपको सदरी समझ नहीं आ रही, लोगों को नहीं पता प्लेन्स में कि सदरी किसको के बोलते हैं। अंकल जी टोपियों का पूरा चलन है मुझे लग रहा है यहाँ पे, है जी भाई साहब। अच्छा ये ऐसी है, ये सेम ही है जो वहाँ पड़ी थी। तो अगर आपने मुझे अगले वीडियो में इसमें देखा तो समझ लेना खरीद ली है। तो हम लोगों ने लोअर बाजार कर लिया है कवर भैया, लोगों से हो गई है बात, अब हम ऑलमोस्ट लोअर बाजार से नीचे बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जो लोग बस स्टॉप पे उतरते थे, शिमला आते थे, रिज जाते थे, वो इसी बाज़ार से होते ऊपर चले जाते थे, लेकिन अब लिफ्ट बन गई है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लोकल्स नज़र आते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया कि यहाँ की शिमला के लोकल्स का क्या सोचना है कि हिमाचल में चुनाव किस ओर जा रहे हैं, और शिमला अर्बन की जो सीट है वहाँ कौन जीतने वाला है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है या बीजेपी का। वीडियो देख के आप खुद तय कर लीजिएगा। बाकी अब हमारा जाने का हो गया है वक्त, निकलते हैं और किसी नई डेस्टिनेशन पे देखेंगे कि हिमाचल इलेक्शन में आखिर चल क्या रहा है।